आज की वीडियो में मैं आप लोग के साथ बहुत ही कमाल की होम रेमेडी शेयर कर रही हूँ, जिससे केवल 3 मिनट के अंदर आप अपने होठों का जो कालापन है ना, उसे रिमूव कर सकते हो, उसे दूर कर सकते हो। तो होम रेमेडी बहुत ही नेचुरल है, इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है, आपको घर में ही बड़ी आसानी से सारे सामान मिल जाएंगे जो भी हम इस होम रेमेडी में यूज करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक एंड शेयर करना, और पहली बार चैनल पर आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों आपको बता दूं पहले कि इस होम रेमेडी में हम क्या क्या यूज करने वाले हैं। हम यूज करने वाले हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं, 1 चम्मच मेरे पास है टमाटर का रस। जी हाँ, और ये आसानी से घर में डेली यूज होता है खाना बनाते वक्त, तो थोड़ा सा टमाटर का रस आपको निकाल देना है। दूसरा हम यूज करने वाले हैं आटा, ये गेहूँ का आटा है, आप चाहो तो यहाँ पे बेसन का भी इस्तेमाल कर सकते हो। तीसरा हम यूज करने वाले हैं सोडा। जी हाँ, सोडा जो होता है जो कालापन है उसे काटने में, उसे दूर करने में बहुत ही हेल्प करता है, लेकिन कभी कभी ये नुकसान भी कर जाता है, तो इसकी मात्रा बहुत ही कम रखनी है। दोस्तों अब हम लोग बात कर लेते हैं कि हमारे होंठ काले क्यों होते हैं। दोस्तों इसकी 2 वजह होती है। पहली वजह ये होती है कि प्राकृतिक तौर पे हमारे होंठ काले होते हैं, बचपन से ही हमारे होंठ काले होते हैं, जब से हमारा जन्म होता है। ये होता है कि जेनेटिक होता है, हमारे मम्मी पापा के होंठों का कलर काला है तो हमारे होंठों का कलर भी काला होगा, या फिर हमारे जो होंठों के आसपास का पिगमेंट है मेलानिन नाम का पिगमेंट, जो हमारा कलर डिफाइन करता है, यानी हमारी स्किन का कलर कैसे हो, हमारे बालों का कलर कैसे हो, हमारे आँखों का कलर कैसे हो, वैसे ही ये पिगमेंट जो होता है मेलानिन, वो हमारे होंठों का कलर भी डिफाइन करता है। तो अगर पिगमेंट ज़्यादा है मेलानिन पिगमेंट, तो हमारे होंठों का रंग काला होगा। तो ये होगा नेचुरल वे जिससे हमारे होंठ काले हो। लेकिन एक वजह और भी है जिसकी वजह से हमारे होंठ काले होते हैं, वो होती है हमारी गलती। जी हाँ, हम लोग अक्सर ऐसी गलतियाँ करते हैं जिसकी वजह से हमारे होंठ काले हो जाते हैं। जैसे कि लड़कियों की बात करो, लड़कियाँ क्या करती हैं, लिपस्टिक लगाती हैं और सारा सारा दिन वो लिपस्टिक लगाए रहती है, और लिपस्टिक लगा के सो भी जाती है। अगर आप लिपस्टिक सारा दिन लगाए रहोगे और सो भी जाओगे तो उससे नुकसान ही होने वाला है, क्योंकि वो केमिकल के होते हैं। तो जब भी आप मेकअप से रिमूव करते हो ना, मेकअप रिमूव करना बहुत ही मस्ट होता है, उसी तरह लिपस्टिक को भी रिमूव करना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो हमेशा लिपस्टिक साफ करने के बाद ही सोइए। और क्या होता है कि हम लोग अच्छे ब्रांड के लिपस्टिक यूज नहीं करते हैं, जिसके वजह से भी हमारे होंठ काले हो जाते हैं। तो हमेशा लिपस्टिक का जो ब्रांड है वो अच्छा रखें। और लड़कों की वजह बता दो तो लड़कों का एक मेन कारण होता है स्मोकिंग करना। अगर बहुत ज़्यादा स्मोकिंग करते हैं तो हमारे होंठों का रंग काला हो जाता है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि सारे लड़के स्मोकिंग करते हैं, कुछ लड़के हैं जो स्मोकिंग नहीं करते फिर भी उनके होंठों का रंग काला होता है, पर वो हो सकता है जेनेटिक कारण हो या कोई और वजह हो। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा स्मोकिंग करेंगे तो होंठों का रंग काला होता है, और बहुत सी लड़कियाँ भी स्मोकिंग करती है तो उनके होंठों का रंग भी काला होता है। तो स्मोकिंग हो सके तो वो हेल्थ के लिए भी अच्छा नहीं है, तो स्मोकिंग तो बिल्कुल ना करें। दोस्तों जो नेचुरल वे है उसको हम चेंज नहीं कर सकते, यानी हम मेलानिन की मात्रा कम या ज्यादा नहीं कर सकते, अपने जेनेटिक जो कारण है, हार्मोन्स के जो कारण है, उसे चेंज नहीं कर सकते। लेकिन जो हमारी गलतियां हैं उसे हम सुधार सकते हैं। अगर आप लिपस्टिक लगाने से, स्मोकिंग करने से आपके होंठ काले हो गए हैं, तो जो मैं तरीका शेयर कर रही हूँ आप उसको जरूर यूज करना, आपको बहुत अधिक फायदा मिलेगा। तो चलो हम लोग ये जो रेमेडी से तैयार कर लेते हैं। तो मैंने बताया कि मैं टमाटर यूज कर रही हूँ यहाँ पे। टमाटर में होता है विटामिन सी। विटामिन सी कालेपन को दूर करना, दाग धब्बे को दूर करने और स्किन के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। एंड गेहूं का आटा हम पैक बना रहे हैं, इसके लिए यूज कर रहे हैं, और गेहूं का आटा भी काफ़ी अच्छा है हमारे स्किन के लिए। तो मैं यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर लगभग आधी चम्मच हम गेहूं का आटा इसमें ऐड कर दे रहे हैं। एंड उसके साथ हमें ऐड करना है 1 से 2 चुटकी केवल सोडा। आप चाहो तो इससे पहले स्क्रब भी कर सकते हो, चीनी का स्क्रब कर सकते हो, या मार्केट में जो भी स्क्रब आ रहा है उसको भी यूज कर सकते हो। पर आप होम रेमेडी यूज कर रहे हो तो आप चीनी का स्क्रब कर सकते हो, पर मैं स्क्रब नहीं कर रही हूँ, मैं डायरेक्टली इसी से ही यूज करके आपको बता रही हूँ। तो ये हमारा पैक जो है वो तैयार हो गया है, तो हम इसे साइड में रखेंगे। एंड मैंने थोड़ी सी लिपस्टिक लगा रखी है, तो सबसे पहले मैं क्या करूँगी, जो लिपस्टिक है उसे रिमूव करूँगी। एंड चीनी, जब भी मैं रिकॉर्ड करती हूँ ना, चेरी भूखने लगती है, पता नहीं मेरी आवाज़ सुन के करती है क्या करती है। एंड थोड़ा सा शोर भी आ रहा है, तो मैं यहाँ पर थोड़ी सी जो लिपस्टिक है, ठीक है, कोई भी हम होम रेमेडी यूज करते हैं तो पहले मेकअप को रिमूव कर लेते हैं, तो पहले मैं लिपस्टिक रिमूव कर लेती हूँ। ठीक है, ये देखिए मेरे होठों का रंग भी बहुत पिंकिश नहीं है, हल्का सा ब्लैक है, ये जेनेटिक कारण है। ठीक है, बचपन से मेरे होंठ ऐसे हैं, बट मैं होम रेमेडी ट्राई करती रहती तो बहुत ज़्यादा काले नहीं होते। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले थोड़ा सा ये पैक लेंगे एंड उसे अपने होंठों पे अप्लाई करेंगे। बोलने में जब दिक्कत होगी,
200 इस पैक को अपने होठों पे अप्लाई करना है और उसके बाद 20 सेकंड हमें मसाज करनी है और फिर इसे हल्का सूखने के लिए छोड़ देना है, यानी पूरी तरह से ये ना सूखे। और उसके बाद हमें 10 सेकंड तक मसाज करनी है। दोस्तों मैं बहुत ही गंदी लग रही हूँ, बट क्या करें, अप्लाई तो करना पड़ेगा। और फिर हमें जब ये 10 सेकंड हम इसका स्क्रब कर लें, उसके बाद ठंडे पानी से धुल लेना है। ये देखिए मैंने रिमूव कर लिया है एंड पहले से जो मेरे होठों का कलर है ना वो काफ़ी ज़्यादा फेयर नज़र आ रहा है। फेयर मतलब हल्का सा पिंक सा हो गया है, जो ब्लैकनेस थी वो थोड़ी कम हो गई। दोस्तों ये होम रेमेडी बहुत ही कमाल की है, आप ज़रूर से ट्राई करना, और ट्राई करने के बाद अपना जो भी अनुभव है मेरे साथ कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर शेयर करना, वीडियो को लाइक एंड शेयर करना। कोई भी सवाल इस वीडियो को लेकर या कोई भी होम रेमेडी को लेकर कोई भी आपकी प्रॉब्लम है, आप चाहते हो कि उस टॉपिक पे मैं वीडियो बनाऊँ, तो मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर ज़रूर बताना है एंड वीडियो को लाइक करना। और पहली बार चैनल पर आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बगल में लगी घंटी बजा दो, घंटी के साथ आता है ऑल का बटन, उसे भी क्लिक कर देना ताकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करती हूँ उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। फिलहाल दोस्तों मुझे आज्ञा दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।